कैंट थाना पुलिस को अहम कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने टॉप 10 अपराधियों में 20-20 हज़ार के इनामिया दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से एक अवैध देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस और 7 ग्राम स्मैक बरामद किया है। पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान विजय साहनी पुत्र सुरेश साहनी निवासी महादेव झारखंडी कूड़ाघाट और पासवान निवासी बसंत बिहार थाना कैंट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। घटना का खुलासा करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि पकड़े गए अपराधियों का पुराना आपराधिक इतिहास है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए दोनों अभियुक्त के ऊपर 20-20 हज़ार रुपये के इनाम घोषित थे और ये थाना कैंट के टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल थे, जिन्हें गिरफ्तार करने में कैंट पुलिस को सफलता मिली है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना कैंट प्रभारी निरीक्षक रवि कुमार राय, इंजीनियरिंग कॉलेज चौकी प्रभारी महेंद्र कुमार मिश्र, उप निरीक्षक सुनील कुमार, हेड कांस्टेबल फूलचंद चौधरी और कांस्टेबल रमाकांत यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने कहा, ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टॉप 10 के विरुद्ध अभियान चलाया गया था। इसमें आज दो टॉप 10 थाना कैंट के, इसमें राजकुमार वो बग्गड़ ये हिस्ट्री सीटर है और गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था। इस पर 20,000 रुपये का SSP से इनाम भी किया था। ये अवैध अस्त्र के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही एक विजय साहनी नाम का व्यक्ति थाना कैंट का, ये भी थाने के टॉप 10 में है, साथी अपराधी है। इसके खिलाफ भी 9 मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं। इसको भी NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। ये दोनों साथी अपराधी थे और लगातार क्षेत्र में सक्रिय थे और दोनों की 9-9-10 अभियोग हैं, एक लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री है। आज इंस्पेक्टर कैंट के नेतृत्व में इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। खासकर किन अपराधों में ये ये राजकुमार बग्गड़ HSP खुली हुई है, ये लूट और चोरी इसका मुख्य अभियुक्त था। कई बार इसने लूट और चोरी के जेल गया है, जिसमें हर बार इसके साथ माल भी बरामद किया गया है। इसी प्रकार विजय साहनी NDPS का भी कार्यकर्ता था और मतलब एक सातिर चोर था। इस पर 7 मुकदमे चोरी के ही पहले से पंजीकृत हैं। तो इस तरीके से दोनों अभियुक्त थे, अक्सर इनकी गतिविधियाँ संदिग्ध थी और लगातार क्षेत्र में सक्रिय थे, इसी कारण थाने के टॉप 10 में रखे गए थे। आज दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इनका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या? सामान्यतः ये सब एक निम्न वर्ग के तबके से ही सम्मिलित होते हैं, इसी तरीके के कृत्य करते हैं, समूह बना के करते रहते हैं, थाने छूटते हैं, कुछ दिन शांत रहते हैं, फिर कृत्य करते हैं। इसीलिए इनके पूरे गिरोह में जितने लोग हैं सबको चिन्हित किया जा रहा है और सबके खिलाफ ही एक विधिक कार्रवाई की जा रही है।